यही तो फोटो दिखाई दे रही है ना, ठीक है ना, इस साइड लेफ्ट साइड वाला तो क्या दिख रहा है, हेलो जाओ तो जिसको भी दिख रहा है तो भाई जब उसका तरीका ये है। अब बताओ ये लगी मुझे सारी की सारी क्या बाहर की तरफ निकल रही है, इंजन निकल रही है, फॉर्म में आ रही है। कितने सारे वायर लगे हुए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट और इनफाइनाइट वायर्स इसके अंदर लगे हुए हैं और जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड आउट कैलकुलेट करनी है। ये फॉर्म है कि अब बताइए करंट किधर जा रही है इसके अंदर, इस डायरेक्शन में। और किसी भी वायर से जब करंट निकल रही होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस केस में अब बताओ करंट किधर जा रही थी, वहां जा रही थी। जब इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो हर पॉइंट पे किधर होगी, इधर होगी। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे छोटा सर्कल बनेगा, फिर और बड़ा सर्कल बना होगा, फिर और बड़ा सर्कल बना होगा। मतलब अगर एक करंट ये निकल के बाहर आ रही थी तो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते डॉट 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 इनफाइनाइट तक को चला जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत आएगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जा रही है, क्या कर रही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि इफेक्ट कम होता जाएगा, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई अगर पॉइंट आएगा तो उस पे उतना फोर्स नहीं लगेगा जितना यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगी, ये जो करंट लगी हुई है जो आपको बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, उन्हीं को क्या बोला गया है यहाँ पे, ये स्ट्रिप ऊपर वाला। जब इसकी वजह से हम इस करंट के ऊपर साइड में मैग्नेटिक निकाल रहे थे, अरे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किधर जाती हुई दिखाई दे रही थी, किधर जाती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के इधर जा रही होगी तो नीचे साइड में किधर जाती दिखाई दे रही थी, अब इसके नीचे वाले फ्लोर में भी किधर जा रही होगी, राइट साइड। बस फर्क क्या होगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आएगा, बोलिए।